वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें लास्ट क्लास में मैंने मैथमेटिक्स और फाइनेंस का एक क्वेश्चन जो कि 18 मार्क्स का आया था, जैसे आप देख सकते हैं, और उसमें चार आपके पास में ए बी सी डी चार पार्ट थे, जिसमें से कोई भी तीन पार्ट आपको अटेम्प्ट करना था। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया। आज की क्लास में मैं आपसे सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, कंटेंट में पीडीएफ आपको अवेलेबल है। क्वेश्चन है, अब मशीन डेप्रिशिएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चले एग्जाम में इसके आने के चांसेस आप फिर से लगा सकते हैं, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन है आपका, अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम। तो ठीक है जी, आपके पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, एंड फॉर द फर्स्ट टू ईयर, और ये कितने टाइम के लिए लगा आपका, ये 2 साल तक ऐसा ही रहा, एंड देन द 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, 7% हो गया, और ये कब तक रहा, ये 3 साल तक रहा। डेप्रिसिएशन बींग कैलकुलेटेड ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू, डिमिनिशिंग वैल्यू का मतलब आपको पता है कि एक बार डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, अब रिड्यूस उस वाली वैल्यू पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है और 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब वो नेक्स्ट ईयर आपके लिए हो जाएगा वो 9,000 रुपए का, मतलब कि आपका 1,000 रुपए कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन आपका 10,000 रुपए नहीं, 9,000 वाली वैल्यू पे लगेगा। इसे हम डिमिनिशिंग मेथड कहते हैं। क्लियर है? इफ द वैल्यू ऑफ द मशीन इज द 10,000 रुपीज इनिशियली, पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, जो मशीन है वो आपकी 10,000 रुपीज का है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5 साल में एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा। ये तो 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक सिंपल सा, मैं इस सवाल पे लौटूंगा, मेरे छोटे सवाल का जवाब दें आप पहले। आप फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए है, मैं एक बार 10% वैल्यू रिड्यूस करता हूं, 10% वैल्यू रिड्यूस करता हूं, 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 100 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 900। तो ये क्या करा आपने, 1000 का 10% कैलकुलेट करा। अगर मैं ऐसा करता कि 1000 है, हर वैल्यू अपने आप में टोटल 100% होता है, लाइक ये 100% है, 10% वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना रह जाएगा, अब ये 90% ही रह जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया 90%, तो मेरे लिए क्या रहेगा, डायरेक्ट मेरे पास में 900 आ जाएगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं रहेगी। क्लियर है बच्चे? यहां तो मुझे 10% निकालना, यहां पे क्या करना पड़ा मुझे, यहां पर मुझे 1000 का 10% मुझे निकालना पड़ा, 100, उसके बाद फिर मुझे इसको माइनस करना पड़ा, तो ये 900 रुपीज क्या हो गया, फिगर हो गया इसका। क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपके पास में दोबारा मैं 10% वैल्यू रिड्यूस करता हूं, तो दोबारा आप 900 का 10% निकालोगे तो 90, और 90 माइनस करोगे आप तो आपके पास में हो जाएगा 810 रुपए बचेगा। तो इस लेंथी प्रोसेस से बेटर क्या है, मैं एक काम तो कर सकता था, 1000 रुपीज 10% रिड्यूस करना है तो ये फिगर 90% रह जाएगा। क्लियर है? अब मेरे पास फिगर बचा 900, अब ये भी अपने आप में 100% वैल्यू है, जो बचा हुआ फिगर है, कोई भी चीज चेंज होने का 100% हो जाता है। फिर 10% वैल्यू रिड्यूस करने के लिए 10% निकाल के माइनस करूं, या फिर ये 100% फिगर है, 10% रिड्यूस होने का ये 90% रह जाएगा, तो ये मेरे पास में 810 हो जाएगा। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, बार बार निकालो फिर माइनस करो, तो एक बार ही आप 90% कर दोगे तो 10% रिड्यूस हो जाएगा, और डायरेक्ट अगर आप करते हो तो 1000 है तो 90% एक बार 10% रिड्यूस हो गया, अब जो वैल्यू बची उस वैल्यू पे 10% फिर रिड्यूस करना, अगेन 90% आप लगा दो, सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे ही आप अप्लाई कर दो, तो वो तो बात एक ही है। तो आपके पास में 810 आपका वैसे भी आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मैं अब इस मेथड को अप्लाई करने वाला हूं तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ आपके पास में, मेरे पास में 10,000 रुपीज की एक मशीनरी थी, 10% वैल्यू रिड्यूस हुई तो रहा कितना ही, 90% फिगर बचा,
एंड नेक्स्ट ईयर जो फिगर बचा उसका भी 10%, तो उसका भी 90%, ये फिगर मेरा बचा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मेरा 7% डेप्रिसिएशन लगने लग गया, तो 7% डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया 93%। फिर जो वैल्यू बचा उसका भी 7% रिड्यूस करूंगा तो फिर वो 93% बन जाएगा, फिर वो 93%। इस तरीके से सिस्टम चला पूरा। तो ये 10,000 और 10,000 तो कैंसिल हो गया आपका, क्लियर है, ये 20 कैंसिल हो गया आपका। तो 81 इंटू 93 इंटू 93 इंटू 93 अपॉन 10,000 फिगर आपके पास में आया, ठीक है, क्लियर है बच्चे। सॉल्व करते हैं, 93 इंटू 93 इंटू 93 इंटू 81, तो क्या फिगर बचा आपका, 651529, 651529 17, 10,000, 6515.2917, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिगर मेरे पास में बचा हुआ है। तो फाइनली मैं आप यहां पर देख रहा हूं कि मेरे पास में 10,000 का फिगर था, मेरे पास में ये फिगर आपके पास में आपका, ये आपका फाइनली बचा हुआ है। तो अब यहां से आपका जो डेप्रिसिएशन चला गया, 10,000 माइनस 651529 17, तो ये चला गया 348.4.7083, ये मेरा टोटल कितना लग गया, टोटल मेरा ये डैप हो गया, क्लियर है बच्चे, टोटल मेरा क्या हो गया, डैप हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी, अब लेकिन ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं पूछा, कह रहा है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अप्लाई हो रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपका, सम ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 माइनस आई रेज टू पावर एन। तो मेरे पास में सम ऑफ अमाउंट कितना बचा, 6515.2917, प्रिंसिपल क्या है मेरे पास में 10,000, 1 माइनस आई आपको पता नहीं है, क्लियर है बच्चे, मैं डेसिमल में बेसिकली निकाल रहा हूं, डेसिमल में नहीं निकालना आपने, तो आप वो कर दो 1 माइनस R/100, ठीक है, रेस टू पावर एन 5 साल में, तो इतने रुपए इतना हो जाना है 5 साल में। तो क्या आप पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर, क्या उस पर डेप्रिसिएशन रेट आप चार्ज करेंगे, अब यहां से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। तो अब आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास में, 6515 रख दो, पॉइंट छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये 0.5 से होता तो मैं ले लेता, अपॉन क्या जाएगा 10,000, इतना कोई मैटर नहीं करता कैलकुलेशन में, 1 माइनस R/100 रेज टू पावर 5। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, लॉग बोथ साइड ले रहा हूं, टेकिंग लॉग, क्योंकि सॉल्व करना है ना इसको मुझे, तो लॉग 6515 अपॉन 10,000, क्लियर है बच्चे, इक्वल्स टू 5, लॉग लेते ही पावर नीचे आ जाएगा 1 माइनस R/100, क्लियर है। तो ये लॉग की वैल्यू बच्चे कह रहे थे कैसे निकालेंगे सर, तो बहुत सिंपल है बच्चे, बच्चे क्या कर रहे थे, जीरो को ट्रांसफर कर रहे थे ऊपर, चार जीरो को, तो बच्चे 0.6515 की निकालने लग गए वैल्यू,
नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू के बाद फिर उनको सॉल्व करना नहीं आया, मत लाया करो नेगेटिव वैल्यू। हमेशा प्रॉपर्टी ध्यान रखना, लॉग ए अपॉन बी हो तो आप एक काम कर दो, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू से बचोगे। लॉग 6515 माइनस लॉग 10,000 इक्वल्स टू 5 लॉग, अब इसको रेंट देते हैं आर बाय 100। अब लॉग 6515 की वैल्यू, आपके पास में लॉग टेबल है और मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकालना सिखा रखा है, फर्स्ट क्लास देखोगे मैथमेटिक्स तो फाइनेंस की, उसमें लॉग ही सिखा रखा है मैंने, ये तो एंटी लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल है। लॉग टेबल में 65 पे 15 देखो, लॉग 65 पे 101, तो ये आपका 8136 है और इस पे 5 1 2 3 4 5 एंड 3, ठीक है ना। लॉग 65 पे 1 ये है और 5 पे जाओगे तो 3 आएगा, ऐड करेंगे 9 3 1 8, तो क्या आया आपके पास में 8139 क्लियर है बच्चे, ये चीज समझ में आई। कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, माइनस 1 करोगे तो ये आ गया आपके पास में लॉग टेबल में, क्लियर है बच्चे। तो जितने डिजिट्स होते हैं उसमें से आप माइनस 1 कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगी, 3 point something आपकी वैल्यू आ गई। एंड लॉग 10,000 कैसे निकालोगे, क्योंकि आप 4 डिजिट तक का ही निकाल सकते हो, तो एक काम करो लॉग 10,000 के लिए ब्रैकेट, आप 10,000 कैसे लिख सकते हो, 10,000 के लिए मैं कह रहा हूं 100 into 100, ये तो कर सकते हो ना, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 डिजिट में कर सकते हो, यहां पे 5 डिजिट हो गया है, तो मैं 10,000 का ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल्स टू 5 लॉग 1 माइनस आर बाय 100 एंड 3.8139 माइनस। अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपके पास में क्या है, आपके पास में लॉग 10,000 into 10,000, तो एक प्रॉपर्टी आपकी होती है लॉग ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है बच्चे। तो यहां देखोगे आप लॉग 100 प्लस लॉग 100 की वैल्यू आपने निकालनी है, इक्वल्स टू 5 लॉग 1 माइनस आर बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको, 3.8139 माइनस लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी, 10 पे 0 देखो लॉग, तो लॉग टेबल आपके पास में रहेगा, 10 पे 0 देखोगे आप तो आपके पास में बेसिकली 10 पे 0 की वैल्यू 0 एंड 3 2 रहेगी इस पे, एन प्लस 2 दिस वन, ये वैल्यू रहेगी आपकी, है ना। लॉग 100 की वैल्यू कैसे, 10 पे 0 देखोगे तो 0 और उसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो उसमें से एक माइनस करोगे 2, तो 2.0 हो गया ना, फर्स्ट क्लास में देखना लॉग टेबल में सिखाया हुआ है आपको। अब सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल्स टू 5 लॉग 1 माइनस आर बाय 100, ठीक है बच्चे। तो ये फिगर क्या है आपके पास में, तो आपके पास 3.8139 माइनस 4 करोगे 5 लॉग 1 माइनस आर बाय 100 और सॉल्व करोगे आप तो ये कैलकुलेटर, माइनस 4 तो आपके पास में आ गया माइनस 0.81861 इक्वल्स टू 5 लॉग 1 माइनस आर बाय 100। अब सॉल्व करेंगे यहां पे तो 5 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5 तो आपके पास में आ गया ये माइनस 0.03722 इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस आर बाय 100।
अब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग निकालना सिखाया ना आपको, चार डिजिट ले लो पॉइंट के बाद, 1 - r/100। अब एंटी लॉग आपको निकालना सिखाया है बच्चे, एंटी लॉग की नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू आए आपके पास में तो आपके पास में -0.0372 है ना, तो इसमें +1 करो -1 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक देखे एक निकाल लिया तो इक्वल्स टू 1 - r/100 और एंटी लॉग आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में प्लस, इसमें से पहले से 1 प्लस करोगे तो प्लस 1 और आपके पास में क्या है 0.9627 एंड -1। ठीक है बच्चे, अब -1 को जगह पे आप ये लिख दो इंटू लॉग रेस टू पावर -1 और इक्वल्स टू 1 - r/100। नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉग कैसे निकालेंगे आप, इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो +1 और -1 कर दो, तो +1 करने का आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, जितना यहां पे रिजल्ट रहेगा आपके पास में 10^10 उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको आप बाहर कर दो। अब लॉग आप 9627 की आप एंटी लॉग वैल्यू निकालो, तो एंटी लॉग टेबल लो और एंटी लॉग टेबल में आप नाइन्टी सिक्स पे जाएंगे और सेकंड पे जाएंगे 0, 1, 2, 9162, 9162 और उसके बाद 7 पे जाएंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तो 7719। तो क्या वैल्यू आई बच्चे इसके 9177 और आपको पता है कि पॉइंट से पहले क्या है, जो भी है पॉइंट से पहले उसमें प्लस 1 करो तो 1 आया, तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा दिस 1, ये आया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे इनटू 1/10, 1/10 सॉल्व करेंगे, 10 जब भी आएगा तो क्या करेगा ये पॉइंट को लेफ्ट पे ट्रांसफर करेगा, जब भी आप 10 जीरो से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है, जितने जीरो उतने ही लेफ्ट में आएगा, तो 9, 0.9177 ये हो गया आपके पास में इक्वल्स टू 1 - r/100। अब सॉल्व करेंगे इसको, अब सिंपल हो गया आपके लिए कि 1 - 0.9177 -0.0823 इक्वल्स टू 1 - r/100 -r/100 और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड r इक्वल्स टू 8.23%। बात समझ में आई बच्चे, तो क्या समझ में आया आपको, आपको यहां पर ये समझ में आया कि अब मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम, एक मशीन जिसपे कि 10% हर साल डेप्रिशिएशन लग जाता है, 2 साल तक लगा, फिर आगे चल करके 7% डेप्रिशिएशन लगने लग गया अगले 3 साल तक, उसके बाद कुल मिलाकर के आपका 10,000 रुपए का मशीन है, अगर आप अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लगा करके कोई एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करो 5 साल तक, तो वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि 10% 2 साल का और 7% 3 साल के बराबर प्रभाव डाले, तो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 8.23%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे आप तो आपका 5 साल में उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा जितना कि आपका 10% 2 साल का और आपका 7% अगले 3 साल का जो डेप्रिसिएशन डालता है। तो एक अगर एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलना है तो आप दो अलग अलग की जगह पर 8.23 लेके चल सकते हो, जो शुरू से लेके अंत तक आपको यही लेके चल सकते हो। क्लियर है बच्चे? अब आपके लिए मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, आपके लिए जो समस्या थी, एक समस्या तो आपके लिए यहां पर था कि आप यहां पर क्या कर रहे थे, आप 10,000 से डिवाइड कर दे रहे थे इसको और उसके बाद आपके पास 0.6515 आ रहा था, जब आप इसकी लॉग वैल्यू ले रहे थे तो 0 - 1 तो नेगेटिव में आप लॉग वैल्यू ले रहे थे, आपको नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉग निकालना आ नहीं रहा था, वो आप अननेसेसरी नेगेटिव वैल्यू ले गए। आप कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, a - b कर दो आप लॉग a - b। अब यहां पे 5 डिजिट का आप लॉग नहीं निकाल सकते, तो आप कुछ मल्टीप्लाई में नंबर को तोड़ दो जैसे मैंने तोड़ा है, तो इससे लॉग की वैल्यू निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एंटी लॉग तो सिखा रखा है, नेगेटिव वैल्यू भी सिखा रखा है एंटी लॉग का, एक बार वीडियो देखना क्लास नंबर 1 में।
तो बहुत सिंपल है कि आपके पास में ये माइनस में कभी भी आ जाए तो उसमें प्लस वन एंड माइनस वन कर दिया, एंड प्लस वन करके देखा ये माइनस वन आया आपका 10 रेज़ टू पावर, आपने माइनस वन कर दिया। अब आपके लिए सिंपल है यहाँ पर कि आपने इसकी वैल्यू निकाली अपने, और 9177 आया, 0 है, इसमें 1 प्लस करा, जितने डिजिट होते हैं उसमें क्या करते हो आप, जो भी है उसमें प्लस 1 करते हो, उतने डिजिट का पॉइंट लगा लेते हो, पॉइंट शिफ्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको। क्लियर है, समझ में आए बच्चे? नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आप फर्स्ट क्लास जरूर देख रहे हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, नेगेटिव वैल्यू कैसे देखते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की फर्स्ट क्लास में मैंने सामने लॉग टेबल रख करके समझाया हुआ है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।